हेलो ट्रेडर्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। इतने सारे डीएम्स कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे पूरा वीडियो बनाइए, कौन सी स्क्रीन आप यूज करते हो, कौन सा लैपटॉप करते हो, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हो। तो मैं आप सभी को आज पूरा ना सेटअप का टूर करवाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं आप सभी को स्टार्ट करता हूँ। ये तीनों मेरे जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ये ना सैमसंग के मॉनिटर्स है। एक में मैं ना बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, एक में करता हूँ फिन निफ्टी का, एक में एचडीएफसी बैंक का। बाकी मैं चार्ट्स भी चेंज करता रहता हूँ, बाकी मेरा बैंक निफ्टी का सेम रहता है, बाकी दोनों स्क्रीन्स में मेरे चार्ट्स डिफरेंट रहते हैं। एंड वर्थ इट भी बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन था कि हमें बाय करना है तो कितने का आपने बाय किया, क्या कॉस्ट है, एवरीथिंग। तो मेरे तीनों मॉनिटर्स मैंने एक साथ परचेज किए थे, नियरली मेरे को 80 से 90,000 के तीनों मॉनिटर्स पड़े, क्योंकि सारे कर्व मॉनिटर है एंड डिस्प्ले भी क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद आते हैं लैपटॉप की। काफ़ी कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे इस लैपटॉप पे, तो कि भाई आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो सर, हमें भी बताइए, हम भी यूज करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डीएम्स इसके थे लैपटॉप के। तो मैं ये लैपटॉप यूज करता हूँ, आसूस का डुअल स्क्रीन है। इसकी कॉस्ट नियर बाय 2 लाख समथिंग की थी मुझे पड़ा, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ ऑफलाइन परचेज करता हूँ, ऑनलाइन परचेज में मैं बहुत कम करता हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर डुअल स्क्रीन है, टच स्क्रीन भी है। इसके अंदर मैं बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एंड कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इसमें एक साइड मेरा वो चलता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक साइड में चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मैं यूज करता हूँ, कहीं भी मैं बाहर जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, तब मेरे बहुत बेनिफिशियल आता है, क्योंकि डुअल स्क्रीन भी है, लाइव स्ट्रीम भी करना हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ लिखना हो, आप सभी को समझाना हो तो ही मैं समझा सकता हूँ। और मैंने ये तीनों स्क्रीन को चलाने के लिए एक सीपीयू भी बनवाया था, जिसकी कॉस्टिंग नियर बाई मेरे को पड़ी थी 2,50,000 या 60,000 की। इसके अंदर दो ग्राफिक कार्ड है और बाकी सारा सेटअप है वो अच्छी क्वालिटी का बिल्डअप किया गया है। सॉफ्टवेयर एंड ऑल सारी इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, सभी चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी है, कि क्योंकि अपन ट्रेडर्स है तो लैक नहीं होना चाहिए बीच में। रिफ्रेश रेट करें तो उसके अंदर भी सेकंड्स का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मिनिमम 1-2 सेकंड लगनी चाहिए रिफ्रेश रेट में। तो ऐसा सीपीयू एंड मॉनिटर्स मैंने सारे बनवाए थे। बेसिकली मेरा सीपीयू सबसे बेस्ट बना है, और बाकी स्क्रीन तो आप भी ले सकते हो, कहीं से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बोल सकते हो सैमसंग की कर्व डिस्प्ले चाहिए हमें। ये इनकी साइज है शायद 28 इंच या 32 इंच है। अभी मैं एज सून एज पॉसिबल एक न्यू सेटअप बनाने वाला हूँ, तो अभी मैं सोचा कि जो सेटअप है उसी पे वीडियो बना देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे मैं चेंजेस करूँगा वैसे वैसे आप सभी को ना दिखाते जाऊँगा वीडियो में कि क्या चेंजेस किया मैंने, क्या आप कर सकते हो। बाकी कीबोर्ड और माउस है, ये डेल के यूज करता हूँ, नियरली इनकी कॉस्ट भी 7-8,000 है। तो आप सभी भी इनको कोई भी स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी वॉल पे मैं सेटअप करने वाला हूँ, बूस्टअप का लोगो एंड ऑल एवरीथिंग अभी सेटअप चल रहा है, पूरा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है। बाकी स्क्रीन से भी मैं कुछ चेंजेज करूँगा। तो अभी बात करते हैं कि आपको इन सब की नीड है, इतनी सारी स्क्रीन्स की, दो लैपटॉप की, एक मैकबुक भी मैं यूज करता हूँ, वो मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कार में है। बाकी मैं उसको दिखाने की कोई वर्थ इट नहीं था कि भाई दिखाऊं आपको कि नॉर्मल चीज़ें। बाकी स्क्रीन्स एंड ऑल ना सीपीयू, ये मैंडेटरी था कि आप सभी का ज़्यादा कमेंट थे कि हम भी यूज करना चाहते हैं। क्या तीन स्क्रीन पे ट्रेडिंग करना बेनिफिट रहता है या नहीं रहता है? देखो, आप ट्रेडिंग करने में तो एक लैपटॉप में भी कर सकते हो, एक लैपटॉप में दो चार्ट ओपन किए तो आप आराम से इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। बाकी आप जैसे एक तो जाते हो कि मारुति कार में और एक जाते हो आप ओडी में, तो फॉर डिफरेंस आप सभी को नज़र आ जाएगा कि आप जैसे जैसे अर्निंग करो वैसे वैसे आप सेटअप पे पैसा लगाओ, कि आपको भी एक ना अंदर से एक खुशी मिले कि नहीं यार पूरा प्रॉपर सेटअप है, एक अलग वाइब आए, इसी के लिए ये सेटअप है। बाकी मेरे को लैपटॉप दे दो, लैपटॉप में मैं इजीली ट्रेडिंग कर सकता हूँ, जैसे मैं इन सबको वॉच करके करता हूँ। बाकी कुछ हेल्प भी करती है, जैसे मैं इसमें टाइम फ्रेम, जैसे एचडीएफसी बैंक खोल रखा है तो एचडीएफसी बैंक के भी मैं अपसाइड में अलग चार्ट खोल लूँगा, डाउन साइड में अलग टाइम फ्रेम डिफरेंट करके, सेम ऐसे टाइम फ्रेम डिफरेंट करके अलग अलग मैं चेक कर सकता हूँ। बाकी मैं बैक टेस्टिंग सिर्फ लैपटॉप पे करता हूँ, इवनिंग में मैं लैपटॉप पे ही ना देखता हूँ क्या चार्ट है, कल के डे में क्या मोमेंटम आएगा। बाकी इन सेटअप को मैं लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा यूज में लेता हूँ एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज में लेता हूँ। बाकी अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि लाइव क्लासेज कहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ आप सभी के लिए, एनालिसिस वीडियो कहाँ पे बनाता हूँ प्रॉपर। ये तो एक सेटअप हो गया, एक सेटअप और अभी पेंडिंग है, वो आप सभी को मैं शो करता हूँ। आप सभी अभी कमेंट कर दीजिए आपको क्या ये सेटअप अच्छा लगा है,
एंड क्या आप इसको यूज में लेना चाहते हो। तो चलिए अभी सेकंड सेटअप पे अपन चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है अपना सेकंड सेटअप, इसके ये प्रोजेक्टर है मैक्स हब का। इसके अंदर मैं बेसिकली यूज में रहता हूँ आपको नेक्स्ट डे एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करने का, एंड कुछ भी आप सभी को समझाना हो, एक गाइड करना हो, कुछ भी लर्निंग प्रोवाइड करनी हो, लर्निंग क्लासेस जो मेरी लाइव चलती हैं डेली, वीकेंड पे मैं सैटरडे संडे लाइव क्लासेस लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जिसके अंदर सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन होते हैं क्लासेज में, एंड वीकेंड पे सैटरडे संडे क्लासेज चलती है डेली टू डे। तो इसके अंदर मैं क्या है बेसिकली इजीली लिख सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, कुछ भी चीज़ मेरे को समझा नहीं रहे तो। बाकी इसकी भी वर्थ इट की कॉस्ट की बात करें तो इसकी भी कॉस्ट 2 लाख प्लस GST पड़ा था मेरे को, ये तो नियरली 2,23,000-24,000 का ये पड़ा था मेरे को। एंड बाकी सारा अपन कॉस्ट मिलाएं पूरे सेटअप की वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अपन अभी बात करते हैं पूरे सेटअप के कॉस्ट के, कितने का पूरा सेटअप कॉस्ट पड़ा है, मोनिटर्स ना लैपटॉप CPU एंड प्रोजेक्टर सब मिला के मेरे को पड़ गया था नियरली 8 to 10 lakh के नियर बाय के बजट में मेरा ये सारा सेटअप हो गया था। बाकी ऑल अदर सेटअप मेरे पास रेडी है, ऑफिस का टूर मैं अलग से आप सभी के साथ करवाऊंगा। इफ़ आप इंटरेस्टेड हो ऑफिस टूर के लिए, उसके अंदर भी शायद 6 या 8 स्क्रीन सेटअप है प्लस बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो भी इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं श्योर आप सभी के साथ वो भी शेयर करूँगा। बाकी आपको ये सेटअप कैसा लगा आप कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।